हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। मेरे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री के विवेक गैस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है, अभी आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जितना आपके लिए ऑब्जेक्टिव यानी इंपॉर्टेंट है उतना आपके लिए सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज जो आप लोग को विवेक गैस क्वेश्चन यानी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको पूरी तरह से इंड तक इस क्लास में बने रहना और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो डियर जैसे कि देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन में क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए आप लोग। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है, ये जो है किस युग की सभ्यता है जल्दी बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए तो पूर्व पाषाण युग के है, नवपाषाण युग, लोह युग या आपका यानी कांस्य युग। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्यारे बच्चों, तो देखिए आप सभी बच्चों का जो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सभी बच्चों को बता रहे कि सर यानी क्या होगा इसका आंसर, यानी कांस्य युग बता रहे हैं। वेरी गुड, आप सभी बच्चों का आंसर जो प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे आप लोग कांस्य युग बता रहे हैं मेरे प्यारे, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो होगा परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आप फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए आप लोग। चलिए, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम टाइम टेबल भी आप लोग का जो है जारी कर दिया बिहार बोर्ड के द्वारा, तो अभी जो आप लोगों को करना चाहिए पूरी तरह से जो है अपने क्लास में बने रहना चाहिए। ठीक है, आपको जो मिस नहीं करना है अभी भी क्लास, अब जो आप मिस नहीं करना है, जितने सारी चीजें आप लोग की हुई थी उन सभी चीजों को आप बुलाना है कि पिछले जो भी आप लोग टाइम इधर उधर वेस्ट किए उन चीजों को आपको बुलाना, आप जो है पूरी तरह से आपको जो है क्लास में लगना है। ठीक है, तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था प्यारे बच्चों वो कौन सा था। तो पहला यहाँ था मोहनजोदड़ो, ऑप्शन में दिया हुआ कालीबंगा, दिया हुआ है लोथल या रंगपुर। तो प्यारे बच्चों आपको बताना हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं वो मोहनजोदड़ो होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में अस्नानागार और अन्नागार का भी साक्ष्य मिला था। इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का, ये भी आप लोगों को पता होगा, मृतकों का टीला होता है जिसे सिंध का बाघ भी कहा जाता है। ओके, चलिए, ये तो आप लोगों को पता होगा मोहनजोदड़ो किस नदी का किनारे, सिंधु नदी के किनारे, जिसका खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, कौटिल्य, मेगस्थनीज, अल्बेरूनी, इतिसंग। तो हम लोग जानते, देखिए अगर बात किया जाए प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका की रचना जो है किसने किया था, इनके बारे में बताना आपसे। चलिए, तो हम लोग बात करते उससे पहले कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे। और प्रसिद्ध इंडिका के अगर लेखक की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा मेगस्थनीज, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, जबरदस्त, जिंदाबाद सभी बच्चों का, आप लोग का आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रयाग प्रशासित की रचना जो है किसने किया था, इनके बारे में बताइएगा आप लोग। चलिए, जबरदस्त, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। देखिए, कालिदास होगा, वानभट्ट या हरिशयन या पतंजलि। तो जानते हैं हम लोग प्रयाग प्रशासित की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, हरिशयन के द्वारा, और आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल हरिशयन जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए, हैनसोंग आए थे, फयान आया था, इति सिंह आया था, वाइन हच से आया था, कौन आया था बताइएगा आप लोग। देखिए, हम लोग जानते हैं कि गुप्त के काल में जो चीनी यात्री आए थे वो कौन आए थे प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी बताइएगा। चलिए, आप लोग का समय समाप्त होता है, हम आपको बता दिए फयान आए थे, कौन आए थे, फयान आया था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उसका हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कवर कर लिए, अब जो हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद जो इसका फिर हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में, आपको बने रहना है इन तक। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, पहला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो हड़प्पावासी द्वारा जो विविध सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना है, जो यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लोग जो है सिंचाई के लिए यानी किसका प्रयोग करते थे, खेती वगैरह करते थे तो सिंचाई के लिए जो है किसका इस्तेमाल करते थे, इनके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसका अगर सिंचाई के बारे में, तो हड़प्पावासियों द्वारा जो मुख्यतः नहर, कुएं और जल संग्रह करने वाली संस्थाओं मतलब स्थानों को जो है सिंचाई के रूप में जो प्रयोग में लाया जाता था, किसका इस्तेमाल करते थे, नहर का इस्तेमाल करते थे, कुआं का इस्तेमाल करते थे और जल संग्रह का जो है इस्तेमाल करते थे सिंचाई के लिए। वहीं देखते हैं हम लोग अगर इसका अगर साक्ष्य के अनुसार अगर पता चलता है कि अफगानिस्तान में जो है सुतगुई नामक स्थल में से हड़प्पाई नहरों का जो है चिन्ह प्राप्त हुआ है, तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है किसका यानी इस्तेमाल करते थे, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि नहर का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए, यानी सिंचाई के लिए, तो इसका अनुमान लगाया जाता है इससे। अब दूसरा पॉइंट अगर बात किया जाए तो हड़प्पा के लोग जो है द्वारा सिंचाई के लिए जो है कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये किससे यानी साक्ष्य से पता चलता है, गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है, यानी तालाब का साक्ष्य मिला है, इससे पता चलता है कि लोग जो है तालाब से भी सिंचाई करते थे, तालाब में अगर नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया करता होगा, कृषि के सिंचाई के लिए जो है पानी देने के लिए जो तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये तो आपको हड़प्पावासी द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख के बारे में आपको हम बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने सारे क्वेश्चन है अभी आपका यानी कलेक्ट हुआ है ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल आपका रामबाण साबित होगा प्यारे बच्चों। चलिए, सभी वीवीआई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं और सब्जेक्टिव का भी गैस क्वेश्चन है। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखिएगा आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ गया सब्जेक्टिव में।
देखिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना के प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा। देखिए चलिए अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विवेचना की, अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन सभ्यताओं में जो है विशालतम सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता में जो एक बहुत बड़ा यानी विशालतम सभ्यता है। पहले तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को बहुत बड़ा माना जाता था, जब हड़प्पा की खोज हुई तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता बहुत जो है सभी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता को बड़ा माना जाता था मेसोपोटामिया अनुमान के तौर पर, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तब लगा कि ना दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है और सबसे बड़ा सभ्यता जो है कौन है, हड़प्पा सभ्यता ही है। ठीक है, यह उत्तर में जो है कहां तक यानी कश्मीर से लेकर दक्षिण तक नर्मदा घाटी तक यह फैला हुआ है, इसका विस्तार की बात कर रहे हैं कहां तक नर्मदा घाटी तक फैला हुआ, और पश्चिम में बलूचिस्तान यानी मकरान तट से लेकर पूर्व में कहां आलमगीर यानी जो उत्तर प्रदेश में तक फैली हुई थी, और ये कुल मिलाकर ये सभ्यता लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर उत्तर से मतलब क्या यानी पूर्व से पश्चिम तक यानी कितना था 1600 किलोमीटर तक था, और वहीं अगर दक्षिण से अगर हम लोग अगर पश्चिम की अगर उत्तर की अगर बात किया जाए यानी दक्षिण से उत्तर की अगर बात करते तो इसमें आप लोगों को मिलेगा यानी 1200 किलोमीटर तक जो है फैली हुई थी। आप सोच सकते हो कि दक्षिण से उत्तर तक यानी 1200 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक, तो इतने किलोमीटर में जो है फैला हुआ था। तो ये जो था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन, मैं अभी आपको कवर करवाया हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये दो इंपॉर्टेंट आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए। चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो काफी मजा आएंगे प्यारे बच्चों आपको। चलिए ठीक है, तो देख पा रहे होंगे छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए बताइएगा। इसके बाद फिर हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे नए हैं आप लोग जोड़ते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही मजा आएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कि अशोक किस वंश का शासक था इनके बारे में बताइएगा आप लोग। देखिए हम लोग बात करते हैं अगर अशोक का तो हम लोग जानते हैं मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था, अशोक जो थे यानी मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ये आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। और ये जो है आंसर बिल्कुल आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ये तीसरा शासक था, और ये किसके पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। और ये किसके पोता थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, कौन, अशोक। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, देख पा रहे सेवन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको पता होगा अकबरनामा का लेखक जो है आपको पता होगा अबुल फजल होगा, ठीक है, कौन हो जाएगा जी, अबुल फजल, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अबुल फजल होगा। चलिए तो ये आप लोग का बिल्कुल डी जो है आप लोग का राइट आंसर जाएंगे अबुल फजल। और वही बात करते हैं अकबरनामा जो है कितने खंडों में वक्त है, तीन खंडों में वक्त है, उसका तीसरा भाग जो है कौन है, आयन अकबरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, इनके बारे में बताइएगा आप लोग। चलिए तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा जी, जल्दी से बताएंगे, तेजी से, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए अगर हम बात करते प्यारे बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात किया जाए तो आप सभी बच्चों को पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 को हुआ था, किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जहां जो बाबर ने यानी किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है मुगल वंश का नींव रखा था, ये भी आप लोग को जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हुआ था, कब हुआ था, 1556 में, तीसरा 1761 में। चलिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, प्रथम तो आपको बता दिया बाबर था, लेकिन अंतिम की बात हो रही है तो ये बिल्कुल याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, और आप सभी बच्चों का आंसर जो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, मजा आ गया यार, क्या गजब का आप लोग आंसर देते हैं, बहुत खुशी होती है, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्योंकि इस बार का हम लोग का मिशन है प्यारे बच्चों, देखिए हम जो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको जो है क्लास जो है ये क्लास का टाइमिंग नहीं है, अभी क्लास हम लोग लेते नहीं है, लेकिन अभी आपके पास समय कम है, दिसंबर खत्म, सिर्फ जनवरी बचा हुआ है, बहुत सारे सब्जेक्ट अभी हम लोग का बाकी भी है, बहुत सारे चैप्टर भी कवर करवाना है, बहुत तरह की अभी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाना है, तब जो ये 450+ का जो हम लोग का टारगेट है और इस मिशन को जो है कंप्लीट कर पाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए तो जो बच्चे नोट्स नहीं लिए, जिसका तैयारी नहीं हो पाया, आपने तैयारी को लेकर के चिंतित है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नोट्स ले लीजिएगा। देखिए अभी आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है नोट्स, बिहार बोर्ड स्टडी के द्वारा जो तैयार किया गया है नोट्स है, इसमें जो आपको हैंडराइटिंग नोट्स भी दिया जाएगा 9162055090 इस नंबर पे आपको जो है चाहे फोन पे या गूगल पे की मदद से, आप देखिए 250 में मिल रहा था लेकिन ये अभी मात्र 199 रुपए में मिल रहा है आपको, ये नोट्स अगर जो बच्चे नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो एक बार फिर से नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर नोट्स हम आपका लेना है लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, कमेंट में आप लोग मैसेज करें तो उन बच्चों के लिए नंबर है 9162055090, ठीक है, नोट कर लीजिए। और देखिएगा जो 400+ का सपना है, अपने माँ बाप के सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं तो आप साकार कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से आएंगे और अपने भी सपने को साकार कर सकते हैं यहाँ से। तो इब्न बतूता जो है किस देश के यात्री थे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीके के जो है यात्री थे, और क्या थे, मोरक्को के थे, ठीक है, कहाँ के, सॉरी मोरक्को के थे, हाँ मोरक्को के थे, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका मोरक्को, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा हम लोग, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन।
हम लोग तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी 10 नंबर तक कवर कर लिए, अब फिर चलते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जो है कवर करेंगे। ओके चलिए, तो आप देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए हम बात करते हैं क्या मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का अगर संक्षिप्त विवरण देंगे तो देखिए आप हम लोग चलते हैं इसका तीसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मौर्यकालीन इतिहास की राजनीति जो है बहुत ही यानी क्या है मतलब जानकारी हेतु हमारे पास क्या है यानी साहित्यिक और क्या स्रोत है पुरातात्विक स्रोत है, ये दोनों प्रकार का स्रोत से जो हम लोग किसका यानी मौर्यकाल की जो है इतिहास को देख सकते हैं, वहां का विवरण को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद है। देखिए अगर साहित्य स्रोत की अगर बात किया जाए तो साहित्य स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, उसके बाद मैगस्थनीज का जो है इंडिका से, विशाखादत्त यानी मुद्राक्षक से जो हम लोग यानी किसका मौर्यकालीन इतिहास का जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन ग्रंथ और ये तीन ग्रंथ के माध्यम से जो है मौर्यकालीन इतिहास का हम लोग जो है पूरा तरह से जो है हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अब वही बात करते हैं क्या, तो पुरातात्विक जो है स्रोतों में अशोक जो है शिलालेख स्तंभ लेख कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो ये जो है इसका अशोक का भी अभिलेख से जो हम लोग यानी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, चलिए देखिए अभिलेख जो है तात्पर्य यह है कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर जो खुदे हुए लेखाभिलेख से तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। देखिए आपको हम बता दें, आपको समझना है यहाँ, देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है इनके बारे में आपको समझना अच्छे से होगा। देखिए पहले जो था कागज का जब आविष्कार नहीं हुआ था, कागज और कलम का आविष्कार जब नहीं हुआ था उस टाइम जो थे यानी महाराजा राजाओं के द्वारा जो है यानी अपने जो है इतिहास में कोई चीज अगर उसका जैसे गाइडलाइन होता हर हर साम्राज्य का, तो अपना गाइडलाइन को लिख करके यानी याद रखने के लिए जो अपने यानी किस में लिखते थे, वो धातुओं में लिख देते थे। ठीक है, उसका मिट्टी के बर्तनों पर लिख देते थे, उसका पाषाण यानी पत्थरों पर लिख देते थे, क्या करने के लिए, याद करने के लिए, ताकि जो है इस इतिहास मतलब उस शासन काल के जो नियम है उन नियमों को अच्छे से देखे, या कोई भी चीज के बारे में उसको जानकारी देना या कोई चीज के बारे में उसको लिखना होता था तो किसमें जाके लिखते थे, वो धातु के बर्तनों पर लिखते थे या यानी पाषाण पर लिखते थे, मिट्टी पर लिखते थे, लिख करके जो है वो रखते थे। ठीक है, तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेख द्वारा जैसे धर्म प्रचार प्रसाद के जो है उपाय, प्रशासन मानवीय पहलू आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते थे, किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो है मात्र अभिलेख ही आधार पर जो है भंडाकर ने जो महोदय ने यानी भंडाकर महोदय ने जो है अशोक के इतिहास लिखने का जो है सफल प्रयत्न किया है। तो अशोक के बारे में जो हम लोग लिखा गया है यानी उसका इतिहास जो लिखा है वो किसके माध्यम से लिखा है, तो इन्हीं के माध्यम से जो है लिखने का प्रयास किया है। तो ये चीज आपका यानी किसके माध्यम से यानी इतिहास के अभिलेखन के माध्यम से यानी अभिलेख के माध्यम से जो है ये पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आप लोग का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो हमने अभी आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाद में आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, पहले आप लोग अच्छे से क्लास कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या गजब का आप लोग का एकदम आंसर भी आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग इतना अच्छे से आंसर दे रहे हैं। लेकिन देखिए अभी क्लास लेने का टाइम नहीं था, लेकिन बहुत कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि अगर शाम में लेते तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, लेकिन आज बच्चे बहुत कम जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोग जम करके अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, एकदम गर्दा और आना है। ठीक है, इस बार चलिए तो देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ने अशोक आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं गांधी जी के द्वारा अशोक आंदोलन के बारे में प्यारे बच्चों, तो सबको पता है कि गांधी जी के द्वारा अशोक आंदोलन जो है कब चलाया गया था, तो 1920 को चलाया गया था, ये आपको पता होगा, ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, विदेशी चीजों का क्या करना था, ये बहिष्कार करना था, ये भी आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अशोक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसका कई रीजन था, वो चीज आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये जो था मतलब स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद जो 1922 को स्थगित कर दिया गया था, किसको यानी अशोक आंदोलन को, क्योंकि कौन चोरी चौरा कांड हो गया था उसके बाद जो इसको फिर स्थगित कर दिया गया था। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए, इनके बारे में आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग को पता भी होगा और आप लोग आंसर भी सही दे रहे हैं, तो 1885। इसी तरह आपको जो है पार्टी से एक नंबर आपसे पूछा जाता है, तो इसी तरह मुस्लिम लीग का स्थापना आपसे पूछा जाएगा 1906 में, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 को, उसके बाद आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1885 में, उसका जनता पार्टी का स्थापना 1977 को। ये जो है आपको जो पार्टी से रिलेटेड जो है सभी का जो है स्थापना आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से आपको जो है डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो आपका कब हुआ है बताइए, इसके बारे में बताइए। चलिए जबरदस्त जिंदाबाद, सभी बच्चों को पता हम लोग जानते
जानते हैं बंगाल विभाजन जो है कब किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया है। तो बिल्कुल इसमें जो कब किया था ये 1905 को किया था और बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था कब, 1911 को। ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। और 1911 को आपको पता है कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी परिवर्तित किया गया था और 1911 में ही जो है कैनी गेट ऑफ इंडिया का जो है स्थापना हुआ था। गेट ऑफ इंडिया कहां पे हुआ, मुंबई में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडिका इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है किसने किया था, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों, तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था और इसका आंसर आप लोग का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना 1939 को जो है किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र बना था इनके बारे में बताइएगा। चलिए भारत के बारे में बताना है कि भारत जो है किस वर्ष जो है गणतंत्र हुआ था इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम जानते हैं भारत जो है अपना भारत कब, यानी 26 जनवरी, देखिए याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को यानी क्या हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था और 1950 को ही जो है अपना क्या देश जो है क्या यानी गणतंत्र हुआ, तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए संविधान को बनाने में कितना समय लगा था ये आप लोगों को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 18 दिन लगा था। ठीक है, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, 18 दिन लगा था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अस्थाई अध्यक्ष, डॉक्टर इंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए इसके बारे में हम लोग जान लिए, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब फिर हम लोग दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को हम लोग जो है कवर करते चलेंगे। ठीक है जी, तो बहुत ही मजा आएंगे। देखिए बात करते हैं अब हम लोग क्या, 5 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है उनके नाम बताइएगा। देखिए त्रिपिटक के बारे में बात किया जाए पहले बच्चों, देखिए त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक का अर्थ होता है क्या, यानी ये जो है मतलब बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखी गई है और इसमें इसका अर्थ होता है क्या, तीन टोकरिया होता है। जैसे फिर यहाँ आपको बता रहे हैं कि पाली भाषा में लिखित प्रमुख यह ग्रंथ है, त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ जो होता है तीन टोकरिया होता है, यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, इसके गौतम बुद्ध के यानी भगवान गौतम बुद्ध के जो है यानी उपदेश संग्रहित है और इसमें तीन पिटक कौन कौन सा पिटक आता है इनके बारे में आपको बताना प्यारे बच्चों। त्रिपिटकों को मैं तीन भक्तों में जो विभाजित किया गया है, तीन पिटक है, एक विनय पिटक आता है, एक सुत पिटक आता है प्यारे बच्चों, एक अभिधम्म पिटक आता है। तो ये बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी क्या अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा तीन पिटक है तो याद रखिएगा विनय पिटक होगा, एक सुत पिटक हो जाएगा, एक अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ओके, तो ये तीन पिटक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सांची स्तूप का परिचय देना आपको। देखिए सांची स्तूप के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, सांची स्तूप के बारे में आपको परिचय देना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए अगर सांची स्तूप के आप सब्जेक्टिव में पूछा जाता आपसे कि यानी ये कहां पे है, कौन सा राज्य में है, तो याद रखिएगा एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब वही बात करते हैं सांची जो है रायसेन जिला, जिला कौन सा है, रायसेन, और ये कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में 46 किलोमीटर की दूरी पर जो है उत्तर पूर्व में स्थित है ये जो रायसेन जिले में के सांची शहर की में जो है यानी बेतवा नदी के किनारे पर जो है स्थित है कौन, यानी सांची के स्तूप। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, कौन सा जिला में, रायसेन जिला बताया आपको, सांची शहर में। ठीक है, और यह स्थल अपनी जो आकर्षित कला कृतियों के लिए जो है विश्व विख्यात है, यानी जो है विश्व में वर्ल्ड में जाना जाता है इसका, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी आकर्षित कृतियों के लिए जो है खूब यानी क्या है प्रचलित है। ठीक है, यह यूनेस्को द्वारा जो है सांची स्तूप को जो है 15 अक्टूबर 1982 को जो है विश्व धरोहर स्थल में जो है यानी शामिल किया था, कब, यानी 1982 में वर्ल्ड में जो है धरोहर स्थल में जो है यानी शामिल किया गया था किसको, सांची स्तूप को, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सांची स्तूप में मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक की जो है आगा अनुसार 3rd शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो स्थापित किया गया था, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट था ये सांची स्तूप के बारे में, मैंने अभी आपको परिचय दिया। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए इस स्थान पर जो है भगवान बुद्ध के अवशेषों का रखा गया है, यानी किस स्थान पर, यानी गौतम कहां पर, यानी स्तूप पर, यानी कहां पर, सांची का स्तूप पर, यानी गौतम बुद्ध के जो अवशेषों को रखा गया है। सांची नगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, सांची जो है एक पहाड़ के ऊपर जो है बसा हुआ है और हरे भरे बगानों से घिरा हुआ है, ये क्या है, हरे भरे बगानों से घिरा हुआ है जिससे यहाँ जो आने वाले पर्यटक को शांति और आनंद का एहसास दिलाता है, कहाँ पे, यानी सांची के स्तूप पर। ठीक है, और ये कहाँ पे, यानी पहाड़ों पर है। ठीक है, और ये पर्यटक इस स्थान की ओर आकर्षित होते हुए इस स्थान पर मौजूद मूर्तियां और स्मारकों में जो है आपको बौद्ध कला और वस्तुकला की अच्छे झलक
अलग देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे कहां, यानी गौतम सांची का स्तूप में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया। सांची स्तूप का अगर परिचय मांगेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग अब चलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसका हम लोग कवर करेंगे। ओके चलिए देखिए, आप लोग दबा करके शेयर करना। देखिए अभी तो क्लास का टाइमिंग आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि ये क्लास का टाइमिंग नहीं है, लेकिन बहुत कम बच्चे क्लास में, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देते हैं तो प्यारे बच्चों जुड़ पाएंगे आप लोग दोस्त के लिए, क्योंकि आपके लिए देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और मेरा ये लाने का, अभी जो क्लास लाने का आपको पर्पस बता रहा है, इसीलिए पर्पस ये मेरा पर्पस क्या है कि ये देखिए अभी आप लोग का एग्जाम का टाइम टेबल बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया। पहली बात, 1 तारीख से आप लोग का एग्जाम भी है, ठीक है। अब जो अब क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग को कवर करना है, बहुत सारे हम लोग जो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन, ये सभी आप लोगों को प्रोवाइड करना है। तो समय कम है और ये जो है देखते हुए जो हम सोचे चलो अभी जो आपको यानी प्रोवाइड करना चाहिए। तो चलिए देर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं। त्रिपिटक साहित्य से संबंधित किससे है तो बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ये जैन धर्म से होगा, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म या वैष्णव धर्म है, तो बताइए। देखिए आप लोग जानते हैं त्रिपिटक साहित्य के बारे में अगर पता है आपको तो ये होगा आपका यानी बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक का मतलब बता ही दिए थे, विनय पिटक, इसका इसके अंतर्गत कौन सा पिटक आता है, 3 पिटक आता है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और कौन सा आता है, सुत पिटक आता है, ठीक है जी। चलिए कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन बताइए। हाँ जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं किसके बारे में तो आप लोग पता होना चाहिए कनिष्क का राजरोहण जो हुआ था प्यारे बच्चों ये 78 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आप लोग आंसर भी दियोगे और आप लोग का आंसर भी जो है परफेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। अब वही बात करते क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था, इनके बारे में बताइए आप लोग। चलिए जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आप लोगों को बताना है जबरदस्त। देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों महाभारत जो है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था तो हम लोग जानते हैं 18 दिन तक चला था। कहां पे, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान पे। कहां पे चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान पे। किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच हुई थी, ये भी याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अशोक किस अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, अशोक के किस अभिलेख में, 10वां या आगे देखिएगा 13वां आपका, यानी 14वां या 16वां। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा 13वां शिलालेख जो है यानी अशोक का जो है, यानी किसका पता चलता है हमें, आपको पता होगा किसका जानकारी मिलता है ये, सॉरी मतलब अभिलेख, मतलब अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में हमें जो कौन सा अभिलेख से पता चलता है तो 13वां अभिलेख से जो हमें यानी पता चलता है अशोक का, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, चोल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी बताइएगा, उर था, मंडल था, वलनांडू था या कुर्रम था, तो बताइएगा प्यारे बच्चों इनके बारे में आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। देखिए चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को जो है क्या कहा जाता था, जल्दी बताइए इनका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए इतने सारे बच्चे क्लास में अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया, कंजूसी नहीं किया है किसी बच्चों को, ठीक है, लाइक करके एकदम दबा के शेयर करना है आप लोगों को। चलिए तो डियर इसका अगर बात किया जाए, हम लोग जानते हैं कि यानी चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को जो है क्या कहा जाता है, तो ये ऊर कहा जाता है। बिल्कुल आप लोग जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे पाए, ठीक है जी। चलिए देखिए आप लोग काफी परेशान हो रहे थे कि सर आपका नोट्स लेना है, तो मैं आपको बता दूं जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करें व्हाट्सएप में, आपको जो नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी नोट्स जो है बहुत यानी लो प्राइस में मिल रहा है, आपको जो है ऑफर दिया गया है ये आज और कल के लिए, आपको 2 दिन के लिए फिर से ऑफर दिया जा रहा है सभी बच्चों को जो है नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स मात्र आपको जो है 250 में जो मिल रहा था वो मात्र आपको 199 रुपया पे ये नोट्स मिल रहा है, जो हाई क्वालिटी का नोट्स है, स्पेशल नोट्स, जो गैस नोट्स है, इसी नोट्स से आपको जो है लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों अगर चाहते हैं कि कम समय में हम